और फ्रेंड्स, क्या हाल हैं आपके? आज एक छोटी सी मुझे अपडेट देनी है आपको। बायोफ्लॉक के अंदर टेम्परेचर का भी बहुत ज़्यादा अहम रोल है। मेरे यहाँ पे 2-3 दिन से काफ़ी तेज़ गर्मी पड़ रही है और 42 डिग्री टेम्परेचर है आउटसाइड, और मेरे पॉन्ड का टेम्परेचर 33 चला गया, जो मेरे छत के ऊपर पॉन्ड है। तो मैं इनसे फिशेज शिफ्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि मछली के लिए मैं टेम्परेचर 27-28 डिग्री तक रखता हूँ। अगर उससे ऊपर होता है तो मैं मछलियों को हटा देता हूँ पॉन्ड से। ओके दोस्तों, बाकी कुछ लोग ऐसे हैं जो गर्मी में शायद कर लेंगे 35-40 डिग्री पे भी फार्मिंग, फिश फार्मिंग, पर मैं तो 30 डिग्री से ऊपर अगर मेरा पानी चला जाता है तो मैं तो निकाल देता हूँ अपनी मछलियाँ। नीचे के पॉन्ड मेरे ठंडे रहते हैं, नीचे के पॉन्ड 26-27 डिग्री तक टेम्परेचर रहता है वहाँ पे 12 महीने, 27 डिग्री मेंटेन कर लेता हूँ मैं वहाँ पे। और यहाँ पे भी मुझे लग रहा है छत के ऊपर मुझे कूलर वगैरह लगाने पड़ेंगे, दोबारा से वाटर प्रिपरेशन करूँगा। और इसी बहाने मैं जो मेरी स्नेकेड फिश है उसकी ग्रोथ भी देख लूँगा कि कितनी हुई है। अभी आज पूरा पानी ड्रेन कर रहा हूँ मैं इसका और नीचे शिफ्ट कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अपडेट देता रहूँगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय। और मेरे भाइयों, क्या हाल है? तो आज एक छोटी सी अपडेट देनी थी। मैंने अपनी सोल फिश जो डाली थी उसकी ग्रेडिंग कराई है। तो ये 4 ग्राम का बच्चा था, अब ये इतना बड़ा हो गया है 25 दिन बाद। तो ये कुछ मछलियाँ जल्दी बड़ी हो गई हैं, करीब 250 मछली निकली हैं जो काफ़ी बड़ी हो गई हैं। तो मैंने चेक करने के लिए निकाली थी। तो भी मैं इनका वेट करूँगा कितना है। लगभग लगभग मुझे तो 20 ग्राम तक की लग रही है। ऊपर से अपनी मैंने सारी फिशेज निकाल के इस अपने इस बड़े पॉन्ड में शिफ्ट कर दिए। इसके अंदर फिलहाल 5,500 स्नेक हेड फिश हैं, सब मैंने इसमें ही शिफ्ट कर दिए हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। ऊपर का पानी का टेम्परेचर 30-32 चला गया है, तो अभी वहाँ पे पॉसिबल नहीं है बायोफ्लॉक फार्मिंग। नीचे मेरा ठंडा है, नीचे 27-28 डिग्री रहता है।